हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आज बात करने वाले हैं भारत की सबसे सस्ती 5 इलेक्ट्रिक कारों के बारे में। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी ये आम आदमी के बजट से बाहर है। अगर आप भी कम बजट में एक इलेक्ट्रिक कार की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और जानते हैं मार्केट में अवेलेबल होने वाले ऐसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं MG कॉमेट EV के बारे में। MG की, दैट मींस मॉरिस गैरेज की, कॉमेट EV लिस्ट में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। इसकी कीमत 7.98 लाख रुपए से शुरू होती है। ये कार 17.3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 42 BHP और 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है। ARI के हिसाब से MG कॉमेट एक बार फुल चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस टाटा के टियागो की। टाटा के टियागो EV दो बैटरी पैक के साथ मार्केट में अवेलेबल है। एंट्री लेवल टियागो कीमत 8.69 लाख रुपए से शुरू होती है। इस कार पर 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है, जो 16.3 BHP की पावर और 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है। MIDC साइकिल के अनुसार 19.2 किलोवाट संस्करण 250 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करती है, जिसकी टॉप मॉडल की कीमत 12.04 लाख रुपए से शुरू होती है। इस कार पर 24 किलोवाट की बैटरी मिलती है और 74 BHP की पावर और 114 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। इस कार पर 350 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज मिलती है। बात करते हैं गाइस सिट्रॉन की E3 की। भारत में लॉन्च की गई पहली इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी कीमत 11.61 लाख रुपए से शुरू होती है। इस कार पर 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो 76 BHP की पावर और 143 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करती है। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी EC3 107 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को कैरी कर सकती है और साथ ही 6.8 सेकंड्स में 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ सकती है। MIDC साइकिल के हिसाब से EC3 320 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है। बात करते गाइस हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट EV की, तो वो है टाटा के टिगोर की। टाटा टिगोर EV बाजार में सबसे सस्ती पॉकेट फ्रेंडली EV सेडान है। इसकी कीमत 12.49 लाख रुपए से शुरू होती है। इस कार पर भी 74 BHP की पावर और 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। साथ ही गाइस इस कार पर 5.7 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ सकते हैं। ARI के हिसाब से इस EV सेडान पर 315 किलोमीटर की रेंज मिलती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन EV भारत में सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। इसकी कीमत 14.74 लाख रुपए से शुरू होती है। यह कार दो ऑप्शंस में अवेलेबल है, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों बैटरी विकल्पों के साथ मार्केट में अवेलेबल है। मिड रेंज पर 123 BHP की पावर और 215 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। साथ ही यहां पर 30 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ मिलती है। साथ ही गाइस यहां पर आपको 9.2 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं MIDC साइकिल के अनुसार इसकी रेंज 325 किलोमीटर की है। टाटा नेक्सॉन की लॉन्ग रेंज में 143 BHP की पावर और 215 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है, जहां पर आपको 14.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। यह कार 8.9 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पकड़ सकती है। अकॉर्डिंग टू MIDC, टाटा नेक्सॉन 465 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है लॉन्ग रेंज वाले ऑप्शंस पर। तो ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन टाटा नेक्सॉन EV के बारे में और कंप्लीट ऐसी 5 EVs के बारे में जो आपके बजट में शामिल हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डेज फॉर यू।